गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल PTU एंड आई एम डॉली। सो गाइज आज है मेरे पास में ममाद का ये ऑनियन ऑयल है। और अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हेयर बहुत ज़्यादा थिक हो गएंगे, तो आप इस जो ऑयल है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये ऑयल आप कैसे यूज़ करेंगे, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और इसको कैसे यूज़ करना है, तो उसी के लिए आज मैं ये रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ममा अर्थ ऑनियन हेयर ऑयल एंड विथ ऑनियन ऑयल एंड फॉर इट इज़ फॉर द हेयर फॉल कंट्रोल एंड इट इज़ अ मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, सभी हेयर टाइप्स के लिए है। आप इसे किसी भी हेयर्स, अगर आपके बहुत ज़्यादा थिन है, थिक है, डैमेज हेयर्स है, कैसे भी हेयर्स हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो नेट कंटेंट पैक है वो दैट इज़ 150 ml में है। इसकी जो एक्सपायर डेट है दैट इज़ 2 ईयर एंड आई थिंक सो दैट इट इज़ मोर देन सफिशियंट 2 ईयर्स। ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स को कंटेन करता है। आपको इसको यूज़ करने से पहले आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लें कि आपको ये सूट करता है या नहीं कर रहा है, एंड आपका जो हेयर का जो कलर है और टेक्सचर है उसको ऐसे कैसे ही ये रखेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस पैकेज एंड शो यू हाउ द बॉटल लुक्स। ये है ममा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल। देख सकते हो ऊपर जो है ये कॉम्ब्स टाइप बने हुए हैं। आपको करना ये है कि आपके जो हेयर से उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एंड कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको करना ये है कि इसको कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। अपने हेयर्स पे ऐसे अप्लाई करने के बाद जेंटली एक मसाज देनी है आपको, एंड जेंटली मसाज देने के बाद आपको इसको 24 आवर्स तक भी रख सकते हैं आप चाहें तो, या जैसे कि नाइट में आप इसको लगा करके और अर्ली मॉर्निंग आप इसको वॉश कर सकते हैं। आप इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा करके मतलब ना आराम से लगा लिया, आपने नहाए आराम से लगाया और 2-3 दिन तक आपके हेयर्स में, नहीं बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें डायरेक्शंस में यही दिया हुआ है कि आपको इसको अप्लाई ऐसे करना है कि आप ओवरनाइट इसको रख सकते हैं या कुछ घंटों के लिए इसे रख सकते हैं, एंड यूज करने के बाद ना लगाने के बाद कुछ समय बाद ही आपको इसको रिंस आउट करना होगा। ओके, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं ऐसे लगा के आपके हेयर्स पे रख लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। बस लगा के आपको थोड़े समय कुछ घंटे रख सकते हैं या ओवर नाइट आप इसको रख सकते हैं। एंड ये इसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि जो ऑनियन होता है वो आपका जो हेयर फॉल है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नए हेयर्स आएंगे, यानी इसका मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी अभी मैं ये प्रोडक्ट को यूज़ करना चालू किया है, तो ये तो नहीं कह सकती, बट हाँ आपका जो हेयर फॉल है उसको बिल्कुल कंट्रोल ज़रूर कर देगा। मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल और होने नहीं देगा, मतलब अभी तक जितना हो गया बस उतना ही है, मतलब उससे ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल और ना गिरे तो वो नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, न्यू हेयर्स कितने समय में इसमें ग्रो कर रहे हैं, और उसमें तो टाइम लगता है न्यू हेयर्स को ग्रो करने में, क्योंकि आपको उसको कंटिन्यूसली काफ़ी समय तक यूज़ करना होगा, उसके बाद ही आप इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। सो ये है ऑनियन हेयर ऑयल, और आप इसको डेफिनेटली यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये ममा अर्थ का, क्योंकि ऑनियन हेयर ऑयल काफ़ी एक अच्छा ऑयल है। अगर आपके जो हेयर से वो डैमेज हैं या आपके जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली जो ऑनियन हेयर ऑयल से इन्हीं को यूज़ करना चाहिए। तो ये जो ममा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल है तो ये भी काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है, एंड यू डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस इफ़ यू वॉन्ट। सो गाइज आज का जो गिव अवे कोड है वो है 2003। ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ममा अर्थ का जो ऑनियन हेयर ऑयल है उसके ऊपर। आई होप अगर आपको जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो काफ़ी हद तक इस ऑयल से कंट्रोल्ड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हेयर ऑयल नहीं हो, हाँ हेयर फॉल प्रॉब्लम नहीं होगा। लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि लगाने के बाद आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये आपको सूट नहीं कर रहा। वैसे ये सभी हेयर्स टाइप के लिए है, सभी टाइप के हेयर्स के लिए है, बट पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह कुछ भी लगता है, तो स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट। So this is the complete review and my personal opinion of this product. So I hope guys you liked my today's review and if you found that my review is helpful for you, so guys please give a big thumbs up and don't forget to subscribe. So guys stay tuned, stay connected, be happy, be healthy, and thanks for watching. Bye bye.